गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट डे वी कंप्लीटेड चैप्टर फ्रॉम सिविक्स टेक्स्ट बुक स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक इज मीन बाय द एक्सप्रेशन पावर ओवर द बैलेट बॉक्स। लेसन के अंदर हमने ये कोट किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन पावर ओवर द बैलेट बॉक्स सिग्निफाइज द पावर ऑफ द कॉमन पीपल। क्या दिखाता है ये? कॉमन पीपल की पावर को, कि कॉमन पीपल क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो आगे गवर्नमेंट बनाते हैं। Who are availing the right to vote in every election? हर इलेक्शन के अंदर इन्हें वोटिंग का राइट मिलता है। The ballot box provides the equality that vote of one person, rich or poor. अब ballot box क्या करता है, ये equality को शो करता है, equality को प्रेजेंट करता है कि कोई भी इंसान रिच और पुअर इज एज गुड एज ऑफ एनी अदर, चाहे वो किसी भी तरह का है, अच्छा बुरा अमीर गरीब, उन सभी को वोटिंग राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इश्यू इज द तवा मत्स्य संघ TMS ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ तवा मत्स्य संघ फाइटिंग फॉर। तो ये फेडरेशन जो थी ये किस लिए काम कर रही है, वर्किंग पोजिशन क्या है इनकी, फंक्शनिंग क्राइटेरिया क्या है इनका। द तवा मत्स्य संघ इज ए फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव्स। कुछ ऐसे लोग जो फिशर वर्कर्स को कोऑपरेट कर रहे थे उस मूवमेंट के अंदर। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिसप्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो डिसप्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, जिन लोगों को वहाँ से अपनी ज़मीन खाली करनी पड़ी थी, अपने घर छोड़ने पड़े थे, तो उन लोगों को ये कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके राइट्स के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। इशू ऑफ देयर राइट ऑफ फिश कैच इन द तवा रिजर्वर एंड राइट टू इक्वलिटी। और इसका इशू क्या था कि तवा रिजर्वर के अंदर जो लोग रह रहे थे, उस एरिया के अंदर, उस पोर्शन में जो लोग रह रहे थे, तो उनके राइट्स छीने गए एक तरह से। अब फिशिंग कैच का जो राइट था वो था तो इनका, क्योंकि ये वहाँ पे रहने वाले लोग थे, बट ये राइट किसको दे दिया गया था, अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, कॉन्ट्रैक्टर्स अब वहाँ पर फिशिंग कैच की एक्टिविटीज़ जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पीपल ऑफ द विलेजेस सेट अप तवा मत्स्य संघ। ये फेडरेशन बनाई क्यों गई थी, क्या पर्पज़ था इसका। इन 1994 द गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन तवा रिजर्वर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। और फिशिंग कैच के जो थे राइट्स थे वो किसको दे दिए गए थे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को 1994 में। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स अबोव द लोकल पीपल अवे एंड गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। तो इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, यहाँ के जो रहने वाले लोग थे इनको वहाँ से हटा दिया और उनकी जगह पर सस्ती लेबर जो है, चीप लेबर जो है, वो लोग लेकर के आए कि हम आपसे काम नहीं करवाएंगे, हमें आपसे सस्ते लोग जो है मिल रहे हैं, चीप वर्कर्स मिल रहे हैं आपसे, चीप लेबर के ऊपर काम करेंगे। जो द विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड एंड सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। तो उस समय गांव वाले इकट्ठे हुए, सभी विलेजर्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए।
प्रोटेक्ट देयर राइट्स, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक मूवमेंट चलाई थी इन्होंने, तो उसी मूवमेंट से रिलेटेड होते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन या ये फेडरेशन जो है बनाई गई थी, विच वॉज तवा मत्स्य संघ एंड TMS इन शॉर्ट नेम। क्वेश्चन फोर इज, डू यू थिंक दैट लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द TMS? कि गांव के जो लोग हैं उनका कितना पार्टिसिपेशन था? राइट टू लाइन्स व्हाई यू थिंक सो। यस, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द TMS। कि इस चीज में कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये चीज कि जितने भी गांव के जो लोग थे उनका एक पार्टिसिपेशन था इस मूवमेंट के अंदर। तो विलेजर्स जितने भी थे वो यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो सभी पार्टिसिपेटेड थे इस TMS को एक अच्छा फंक्शनिंग देने में, सक्सेस देने में। इनकी जो मूवमेंट थी वो तभी सक्सेस हो पाई। विलेजर्स ऑर्गेनाइज्ड रैलीज। अब इन लोगों ने किया क्या था, रैलीज की इन्होंने, चक्का जाम किया इन्होंने, डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। कि इनसे इनका राइट जो है वो ना छीना जाए, क्योंकि अगर इनसे इनका राइट छीना जाता है तो इनके पास पैसा कमाने के लिए और कोई जरिया नहीं है, और कोई सोर्सेस नहीं है जिससे इनका गुजारा चल सके। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड ए कमेटी टू असेस द इश्यू। और जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, जब ये लोग विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं इस पॉलिसी का, तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई इस इश्यू को चेक करने के लिए, इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट रोल डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन पीपल्स स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी? कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल प्ले करता है इक्वालिटी के लिए, कि लोग अपनी इक्वालिटी के लिए जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल आ रहा है? अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैसे तो लिखा गया है कि सभी लोग बराबर हैं, बट जब इनको इक्वालिटी राइट्स नहीं मिलते तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हेल्प ले सकते हैं? इट एंश्योर फ्रीडम्स एंड फेयर ट्रीटमेंट। तो ये क्या दिखाता है कि सभी लोग जो हैं फ्रीडम है उनको, और फेयर ट्रीटमेंट, बराबर का बर्ताव होना चाहिए, ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, इन लोगों के साथ जो बिहेवियर टर्म्स हैं वो अच्छी कंडीशन में हो, कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन इज इक्वल। कानून के लिए, लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोग जो हैं इक्वल है। इट एंश्योर्स दैट एवरी पर्सन मस्ट गेट इक्वल राइट्स अंडर द लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को भी जाहिर करता है, इस बात को भी दिखाता है कि हर इंसान, एवरी पर्सन जो है ना, उसे अकॉर्डिंग टू लॉ इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इट मेक्स श्योर दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू द बेसिक एंड फंडामेंटल राइट्स। और ये इस चीज़ को भी श्योर करता है कि सभी लोगों को उसके बेसिक और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी दिए जाने चाहिए, लाइक फ्रीडम। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनको दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज? व्हाट डज इट स्टेट? क्या दिखाता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या बताया गया है मेनली, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ।
कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं. इट स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर ही इज रिच और पुअर. कि चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्स और किसी भी इकोनॉमिकल कंडीशन से है, चाहे वो रिच है या पुअर है, तो उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ऑल अडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस. और जितने भी अडल्ट्स हैं 18 साल से ऊपर की जो एज में है, अबोव 18 ईयर्स ऑफ एज, दे हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस. उन सबको वोटिंग करने का राइट है, उनकी अपॉर्चुनिटी है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. स्टेट द मेन रीजन व्हाई पीपल डू नॉट हैव इक्वालिटी. लोगों को इक्वालिटी क्यों नहीं मिल पा रही, क्यों उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लोगों को क्यों ये फेस करना पड़ता है कि उनके साथ अलग बर्ताव हो रहा है या उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है, उन्हें क्यों ये फील होता है. द मेन रीजंस आर पॉवर्टी. रिच एंड पुअर पीपल्स का जो यहाँ पे एक गैप है, एक डिफरेंस है, तो उससे भी इनको ये लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है. तो पॉवर्टी जो है वो उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन है जो इक्वालिटी को मेंटेन नहीं रहने देते हैं. लाइक लिविंग स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिकल कंडीशंस, उनका खाने पीने का तरीका, उनका रहने का, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उससे उनको फील होता है. सेकंड, लैक ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज नहीं है या नॉलेज नहीं है रिसोर्सेज की. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स. एक भेदभाव या एक डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड एंड सेक्स बेस्ड. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने किए थे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, तो वहाँ पर क्या था, फीमेल वर्कर्स जो हैं उनकी अर्निंग्स कम होती हैं, उनकी वेजेस या उनकी सैलरीज जो हैं इन कंपैरिजन टू मेल आर लो. लैक ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटी और कम्युनिटीज. कि कुछ लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर मानते हैं, अपनी कास्ट को, अपनी कैटेगरी को, अपने रिलीजन को दूसरे लोगों से ऊंचा दिखाते हैं कि हम हाई स्टैंडर्ड हैं, हाई सोसाइटी से हैं और आप लोग लो सोसाइटी के हैं. तो दीज आर द मेन रीजंस व्हाई पीपल डू नॉट हैव इक्वालिटी. कि उनको इक्वालिटी क्यों फील नहीं होती. एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज What is important to control discrimination? Discrimination को control कैसे कर सकते हैं, रोका कैसे जा सकता है इस चीज़ को. Inequality affects poor and marginalized the most. कि जब भी inequality की condition आती है ना, तो वो सबसे ज़्यादा किसको affect करती है, poor peoples या marginalized people, जिन लोगों को हाशिए पर रखा गया, जिनको अलग दिखाया जाता है कि आप हमारी एरिया से, हमारी सोसाइटी से अलग हैं. डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल शुड बी रियलाइज टू हैव सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी. कि हर किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी अलग डिग्निटी होनी चाहिए जो उसको मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये लोग गरीब हैं और आप उनकी बेइज्जती करें, आप उनको शाई फील करवाएं, बल्कि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है सभी को मिलना चाहिए. शुड बी रियलाइज टू हैव सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी इक्वालिटी. तो अगर ये चीज़ उनको मिल जाती है ना, कि अगर उनको ये लगता है कि हम लोग गरीब हैं, पुअर हैं, बट हमारी भी एक रेपुटेशन है, एक इज्जत है, सामने वाला लोग हमें भी
थोड़ा सा सेंस के साथ, तमीज़ के साथ बात करते हैं हमारे लिए, तो वो अपने आप को थोड़ा सा इक्वल मानना शुरू करेंगे, इक्वलिटी फील करेंगे वो लोग. वी मस्ट एंश्योर एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड न्यूचर देयर फैमिलीज. और हमें एडिक्वेट रिसोर्सेज जो है ना वो देने चाहिए उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी फैमिलीज को न्यूचर करने के लिए. न्यूचर मींस जो यहाँ पे दिया गया है वो होता है पालन पोषण, कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो पुअर पीपल्स अपनी फैमिली को मेंटेन कर सकें, अपनी फैमिली का खाना पीना, उनका रहन सहन, इस चीज़ को वो लोग गुजारा कर सकें, कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज द लास्ट लेसन ऑफ सिविक्स टेक्स्ट बुक. राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न इट. थैंक यू.